दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की लेटेस्ट न्यू वैकेंसीज के बारे में, जिसमें कितने पोस्ट हैं, योग्यता क्या रखी गई है, आयु क्या रख है, वो सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर लेना। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में यहाँ पर शासकीय स्कूलों में भर्ती निकली है, और ये वैकेंसी जो निकली है इंटर कॉलेज कांडा खाल लंगूर गढ़वाल, और ये निकली है आपकी 19 मार्च को, 19/3/2021 को निकल रखी है। और इसके हिसाब से आप लोग जो है 21 दिन ऐड कर देना, उसकी लास्ट डेट आपको पता चल जाएगा। और ये जो है निकली है गढ़वाल में निकल रखी है, और इसमें जो है आपका आवश्यकता है विज्ञप्ति इस तरह से लिखा गया है। और ये जो है अशासकीय स्कूलों में है, अशासकीय सहायता प्राप्त राजकीय इंटर कॉलेज कांडा खाल लंगूर में जो है पौड़ी गढ़वाल में है जो कि, और मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा यहाँ पर जो है अनुमोदित निम्न जो है रिक्त पदों पर जो है अस्थायी नियुक्ति हेतु जो है शासन आदेश संख्या आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और इसकी विज्ञप्ति यहाँ पर छापा गया है, और इसमें आप लोग देखिए ये एक स्थायी भर्ती होती है, परमानेंटली रहती है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही ये रूल और रेगुलेशन पर चलती है, और सैलरी भी सब कुछ वही होता है। इसमें जो है भौतिक विज्ञान प्रवक्ता की आई है एक पोस्ट है, जो कि आपकी 47,600 से स्टार्टिंग जो कि प्रवक्ता लेवल में होती है 8th लेवल का वही है। एक पोस्ट आ रखा है सामान्य अभ्यर्थी के लिए अर्थशास्त्र प्रवक्ता का है, इसमें भी सैलरी वही है। एक पोस्ट इसमें भी सामान्य अभ्यर्थी के लिए ये भी वही है, और राजनीति विज्ञान का है प्रवक्ता का, और इसमें भी वही सेम है, एक पोस्ट है और सामान्य अभ्यर्थी के लिए है। और वहीं आपका समाजशास्त्र का लिए आया है, इसमें भी आपका वेतन ग्रेड वही है, पोस्ट भी एक ही है, और OBC के लिए यहाँ पर आई हुई है। और हिंदी प्रवक्ता का आप लोग देखिए यहाँ पर, देखिए आप तो वही यहाँ पर रखा गया है लेवल, और एक पोस्ट इसमें भी है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए रखा गया है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करो, तो आपके पास जो है MSc फिजिक्स से होनी चाहिए, अर्थशास्त्र में जो है MA होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, सब के सब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें, और सब में जो है BEd होना भी कंपलसरी है। UTET या CTET होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रवक्ता है, प्रवक्ता में UTET CTET मान्यता नहीं होती है। तो आपके पास जो है इन सभी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और हिंदी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए MA में, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में या आपके इंटर में जो है संस्कृत होना भी अति आवश्यक है। अगर यहाँ पर देखिए समस्त रिक्त पदों एवं जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं वही होंगी जो राजकीय आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट में निर्धारित की जाती है, इस तरह से लिखा गया है। और आवेदन पत्र जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के नाम पर जो है आपका यहाँ पर दे होगा, और ये 300 रुपये का जो है रेखांकित पोस्टल ऑर्डर, चाहे आप बैंक के डिमांड ड्राफ्ट से लगा लो या पोस्टल ऑर्डर से लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ये जो मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल, इसके नाम पर यहाँ पर दे होगा, जो कि प्रधान डाकघर पौड़ी, ठीक है, इस पर दे होगा। और बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी के नाम पर से भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा पौड़ी के नाम पर ही दे होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप भारतीय स्टेट बैंक से लगाओगे तो पौड़ी गढ़वाल के मेन जो यहाँ ब्रांच है वहीं पर होगा, मुख्य शिक्षा अधिकारी के मेन ब्रांच पर ही होगा, तो इस तरह से लिखा गया है। और यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर किसी भी दिवस जो है प्रातः 11 बजे से जो है शाम 4 बजे के बीच में प्राप्त कर सकते हैं, इसके जो मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस है यहाँ से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदन पत्र जो है आपका विज्ञापन की तिथि से 21 दिन के भीतर भीतर आपके समस्त जितने भी शैक्षिक अर्हताएँ योग्यताएँ जो भी प्राप्त हैं उनको सभी को अटैच करके आपको पंजीकृत डाक द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी के नाम पर जो है आपको भेजना है, और यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए 21 दिन के भीतर भीतर, और विलंब होने से जो है यहाँ पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और ये मेन चीज़ आप लोग देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र के लिफाफे के बाईं ओर जो है पद का नाम है, दाईं ओर जो है विद्यालय का नाम अंकित करना अनिवार्य है, तो ये कंपलसरी है। जो लोग विज्ञापन संख्या कहते हैं, विज्ञापन संख्या की कोई आवश्यकता नहीं, विज्ञापन संख्या काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि कमेंट करते रहते हैं, विज्ञापन संख्या की कोई आवश्यकता नहीं होती इनमें, ठीक है, ये मेन चीज़ रहता है आपका, ठीक है। पोस्ट का नाम है, कैटेगरी है, और विद्यालय का नाम ही लिखना जरूरी है आपका, बाकी विज्ञापन संख्या ऐसा कुछ नहीं है, प्राइमरी लेवल का फॉर्म नहीं है जो आपको विज्ञापन संख्या की ज़रूरत है, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर स्वीकार कर सकते हैं, यहाँ पर किया जाएगा, मतलब आपको जो है रजिस्टर पोस्ट द्वारा ही भेजना है, और अन्यथा जो है आपका यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाता है। और यहाँ पर कहा गया कि आरक्षित पदों पर जो है आपके उत्तराखंड मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और सेवारत आवेदन के जो है आवेदन पत्र पर विभागाध्यक्ष के माध्यम से जो है अग्रसारित हो एवं जो है साक्षात्कार के समय जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यानी कि अगर प्रवक्ता लेवल में भर रहा कोई जो विभागीय वाला है तो उसके बाद जो है जब साक्षात्कार होगा तो ठीक है NOC प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा।
न्यूनतम आयु वही होगी जो उत्तराखंड के जो विद्यालय में रहती है, यानी कि 21 से 42 के वर्ष के बीच में, बाकी कैटेगरी वाइज छूट मिलती रहेगी। और विज्ञापन का प्रश्न यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, बाकी आप लोग देखते हैं। और अगर बात करें इसके फॉर्म के बारे में, तो फॉर्म जो है आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी जो कि पौड़ी गढ़वाल के नाम पर यहाँ से ही मिलेगा फॉर्म, सब कुछ यहीं पर मिलेगा, ठीक है। और आपका जो फॉर्म का लिफाफा होगा उस पर जो है बाहर पर क्या लिखना है मैंने बता दिया है। और बाकी ये स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट इससे आप कर सकते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट मत करना। और मोस्टली जो है रजिस्टर पोस्ट लगते हैं, बेटर होगा कि रजिस्टर पोस्ट ही आप करें, ठीक है। इस तरह से ये वैकेंसी आई है, इसमें जो भी इच्छुक अभ्यर्थी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।